गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे थे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि जैव प्रक्रम क्या है, यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जीवन किस प्रकार से चलता है, ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। और जैव प्रक्रम में जीवन के लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इन सभी बातों का विवरण भी हमने किया था। जैव प्रक्रम में पोषण की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है, पोषण से हमें फायदा क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों को भी हमने बताया था। तथा श्वसन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ाई गई थी। और तथा मिश्रण के बारे में भी बताया गया। आज उसी के आगे हम चलते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा परिवहन। आज की हमारी ये हेडिंग है परिवहन। परिवहन क्या है, सभी जानते हैं कि परिवहन, आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा कि गाड़ी जो होती है उसमें परिवहन लिखा होता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी कि आवागमन को ही हम परिवहन कहते हैं, जो हमारा। लेकिन आवागमन के रास्ते में जो चीज़ें, जैसे बस में आपने देखा होगा कि बसें चलती है, उस पर लिखा रहता है परिवहन, यानी कि एक मार्ग से हमें दूसरे मार्ग पर, यानी कि एक स्थान से हमें दूसरे स्थान पर ले जाती है। ऐसे शरीर में बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं जो ले जाने और ले आने का कार्य करती हैं। सबसे पहले तो कुछ क्रियाएँ होती हैं जैसे रक्त के बारे में बता रहे हैं। जैसे रक्त, रक्त क्या है, हमारे शरीर में रक्त सुचारू रूप से पूरे शरीर में चलता रहता है, और कोशिकाएं रक्त को कहाँ ले जाती हैं, हृदय में शुद्ध करने के लिए, फिर उसे वापस लाती हैं, फिर फेफड़ों से होते हुए फिर हमारे संपूर्ण शरीर में पहुँचता है। फिर इसी तरीके से यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी में आप जानते होंगे कि रक्त, रक्त क्या है, ये लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। तथा इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान होता है इसका 7.4। ये कुछ क्षारीय तथा कुछ अम्लीय भी होता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा जब कभी चोट लग जाती है तो आप उसे मुंह में उंगली डाल देते हैं, तो आपने रक्त का स्वाद भी चखा होगा कि वह हल्का सा नमकीन भी लगता है तथा हल्का सा खट्टा खट्टा सा भी लगता है। आपने देखा होगा कि जब रक्त बहता है उसके बाद कुछ लाल रंग की बूंदें होती हैं, उसके आसपास कुछ पीले रंग की बूंदें हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त चार प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि रक्त चार प्रकार के होते हैं, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे जब रक्त का टॉपिक आएगा। अभी टॉपिक हम चला रहे थे लाइफ प्रोसेस पर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक था परिवहन। तो परिवहन में लिखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में अनेक संगठन भी होते हैं जो भोजन तथा ऑक्सीकरण का अंतर्ग्रहण करते हैं, जो भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे संगठन होते हैं जो भोजन, जैसे हमने भोजन खाया तो भोजन हमारे सबसे पहले कहाँ पर पहुँचा, मुख में पहुँचा। मुख में पहुँचने के बाद सीधे भोजन हमारे मुख में नहीं जाता, मुख में जाता है तो सीधे हमारे पेट में नहीं जाता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे दांतों के बीच लाना पड़ता है। और भोजन को जब हम दांतों के बीच लाते हैं
तो उसे हम दांतों से चबाते हैं, लेकिन वह भोजन ही चबता है जो भोजन स्वादिष्ट हो और भोजन खाने में अच्छा हो। तो ये जो भोजन हम लोग चबाते हैं या खाते हैं, तो आप जानते हैं कि इनका स्वाद हमें कैसे मालूम पड़ता है, किस कारण से हमें इनका स्वाद मालूम पड़ता है कि ये भोजन खट्टा है, ये भोजन मीठा है, ये भोजन कड़वा है या ये फीका है, इसका कारण क्या है? ऐसी कौन सी संवेदनाएं हैं, ऐसी कौन क्या है जिनके कारण हम लोग भोजन का स्वाद ग्रहण कर लेते हैं? कोई बता सकता है कि क्या है? तो इसमें ग्रंथियां होती हैं, भोजन की ग्रंथियां, स्वाद ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें मुख में सबसे आगे मीठे का स्वाद, फिर बीच में फीके का स्वाद और सबसे लास्ट में अंदर की ओर कड़वे का स्वाद का ध्यान होता है, तथा पार्श्व भागों में, जीभ के पार्श्व भागों में किनारों पर खट्टे स्वाद का अनुभव करते हैं। जब फिर हम इसे भोजन को दांतों के बीच में लाते हैं, तो आपने देखा भोजन को हम चबाते हैं। क्यों चबाते हैं भोजन को? क्योंकि भोजन बड़ा होता है, कठोर होता है, जिसे निगलने में हमें कठिनाई होती है, तो उसे हम लोग दांतों से तोड़ लेते हैं, चबा चबा कर महीन कर लेते हैं और हमारी जीभ में, मुख में तीन प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को क्या करती हैं, मिलाती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, जब मिक्सी में हम लोग किसी पदार्थ को पीसते हैं तो उसको पीसने के लिए उसमें हम लोग जल डाल देते हैं और जल की डालने से वह आसानी से जल्दी पीस जाता है। इसी प्रकार से हमारी लाल ग्रंथियां भी हमारे मुख में पहुंचती हैं और मुख में भोजन जैसे ही मिलता है तो वह मुलायम हो जाता है, जो निकलने में आसानी होती है। तो ये तीन प्रकार की लाल ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं? अधोजिहा, अधोकर्ण और अधोमुख। ये तीन जो ग्रंथियां होती हैं हमारे मुख में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद भोजन हमारे गले से नीचे की ओर जाता है। जब ये नीचे की ओर जाता है तो भोजन का क्या हो जाता है? इसी के साथ भोजन के साथ साथ क्या जाता है? ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और भोजन प्रवेश करने के बाद अंतर्ग्रहण क्रिया होती है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है, जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये हम अभी बता रहे थे, जितना लिखा उसके आगे फिर से लिखेंगे। शरीर में बचे हुए पदार्थ, शरीर में बचे हुए पदार्थ एवं भोजन, बचे हुए पदार्थ एवं भोजन हुआ ऑक्सीजन, हुआ ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान, वह ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को परिवहन कहते हैं, ले जाने को परिवहन कहते हैं। परिवहन का कार्य विशेष तंत्रों के द्वारा किया जाता है, विशेष तंत्रों के द्वारा किया जाता है। तंत्रों का मतलब जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, विशेष तंत्रों के द्वारा किया जाता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। तो ये था आपका परिवहन। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि परिवहन क्या है? आ गया सभी को? क्लियर है ये? इसके आगे हम अगले टॉपिक पर आते हैं, इसका नाम है उत्सर्जन, जिसका नाम है उत्सर्जन एक्सक्रीशन। उत्सर्जन जिसका इंग्लिश में कहते हैं जिसे क्रिएशन, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है?
जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि उत्सर्जन क्या है। जैसे शरीर में हमने पदार्थों को, पोषक पदार्थों को, भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में जितनी उसे सहने की क्षमता थी उसने उसे सहा। अब उसमें जो भोजन में जो पाचक पदार्थ थे उसे हमारे विशेष तंत्रों के द्वारा उसे पचा लिया गया तथा उसमें से जो ऊतक बने तथा उसमें से जो एंजाइम्स बने उसे भी हमारे शरीर में एकत्र कर लिया। लेकिन जब भोजन करने के बाद, पोषण प्राप्त करने के बाद कुछ अनावश्यक तत्व हमारे शरीर में रह गए, यानी कि जिनका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है। अब जिनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होगा तो उसे हमें शरीर से बाहर निकालना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर में हम कोई चीज़ लाते हैं खाने की, तो अगर हम उसे छीनते हैं तो अंदर का गूदा हम खाते हैं और बाहर का छिलका जो होता है वो हमारे लिए बेकार होता है, उसे हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी यही क्रियाएं होती हैं, जो हमारे लिए वस्तुएं यानी कि जो हमारे लिए पोषक पदार्थों में जो पोषक आवश्यक होता है उसे शरीर में वह रुकता है और जो अनावश्यक होता है उसे शरीर से त्यागना बाहर होता है। तो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। आपने देखा होगा कि मलमूत्र त्यागना ये भी एक उत्सर्जन क्रिया है तथा शरीर से पसीने का बाहर निकलना भी एक उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को लिखेंगे सभी लोग, लिख दीजिए, हेडिंग आपकी थी उत्सर्जन यानी कि क्रिएशन। जब हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जब हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा हमारे शरीर में जो अनावश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में जो अनावश्यक पोषक पदार्थ होते हैं जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है इसे हम मलमूत्र की क्रियाओं द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। क्रियाओं द्वारा बाहर निकाल सकते हैं शरीर से पसीना निकलना भी एक उत्सर्जन क्रिया है। शरीर से पसीना निकलना भी एक उत्सर्जन क्रिया है। तो ये था आपका उत्सर्जन। तो आप सभी जान गए हैं कि उत्सर्जन क्या है। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है पोषण। अगली हेडिंग आपकी है पोषण। ये पोषण हम करा चुके हैं, आपको पोषण हेडिंग हो चुकी है, सिर्फ इसे समझेंगे आप, लिखेंगे नहीं। पोषण यानी कि पोषण भी कई प्रकार के होते। तो पोषण क्या है कि जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण करने के बाद उसे क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा से वह क्या करता है, कार्य करता है। यदि वह पोषण प्राप्त नहीं करेगा तो वह कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का संग्रह कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर ऊर्जा संचित हो जाती है। इसीलिए ऊर्जा को, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि वहां पर ऊर्जा क्या होती है? संचय हो जाती है। जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह धीरे धीरे हमें वहां से मिलती रहती है। जैसे ही हमारी ऊर्जा खत्म होती है तो हमें भूख प्यास का अनुभव होने लगता है। आपने देखा होगा कि पोषण होता है वह भी दो प्रकार का होता है, एक स्वापोषी पोषण होता है और दूसरा परपोषी पोषण। स्वापोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है? तो लिखिए, हेडिंग जरूर डालें, इसमें हमने पिछली जो हेडिंग कराई थी उसमें स्वापोषी परपोषी नहीं लिखा है, तो हेडिंग आप अभी ये डालेंगे पोषण। पोषण में लिखेंगे जीवों को जीवित रहने के लिए तथा वृद्धि विकास के लिए, जीवों को जीवित रहने के लिए तथा वृद्धि विकास के लिए शरीर में होने वाली वृद्धि विकास के लिए शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पोषण जीवों के लिए अति आवश्यक है, पोषण जीवों के लिए अति आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक हेडिंग में लिखेंगे स्वापोषी, स्वापोषी स्वापोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, जो स्वयं से क्या करे पोषण को प्राप्त कर ले, यानी कि इन्हें किसी की आवश्यकता ना हो। जब किसी को किसी की आवश्यकता नहीं होगी, जो अपने आप कार्य को स्वयं कर रहा होगा तो वह क्या कहलाएगा? स्वापोषी। और जो दूसरों पर डिपेंड होगा कि वह हमें बना के दे, है ना, वह हमें ऐसा करे तो हम तब खाएं, तो वह क्या कहलाएगा? परपोषी, क्योंकि वह दूसरों पर डिपेंड है। और जो स्वयं कर ले वो कैसा है? स्वापोषी है। तो सबसे पहले स्वापोषी जो आपने लिखा, स्वापोषी पोषण में लिखेंगे ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों कौमा कार्बन डाई कौमा CO2 जल तथा प्रकाश के माध्यम से, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वापोषी कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वापोषी कहलाते हैं। आप जानते हैं कि स्वापोषी कौन है? पेड़ पौधे। देखा, ये पेड़ पौधों के पास क्या रसोई घर है? नहीं है। आप कह रही है पीछे वो कह रही है, तो पेड़ पौधों के पास कोई रसोई घर तो है नहीं, गैस है नहीं, चूल्हा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वह क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश निकलता है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब ये अपना भोजन बनाते हैं। और इनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्लोरोफिल बनता है, तो जिसके कारण इनकी पत्तियां हरी होती हैं और ये पूरे भाग से लेकर ये जड़ तक भोजन को पहुँचाते हैं। इसी प्रकार से जब जल इनकी जड़ों में डाला जाता है तो जड़ पूरे परिवहन करके पूरी पत्तियों के सिरे सिरे तक जल को भी पहुंचाता। तो ये कार्य विसरण और परासरण क्रिया द्वारा चलता रहता। तो ये तो आपका था स्वापोषी
पोषण, दूसरी हेडिंग है आपकी परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण, जिसे हम परपोषी या विषमपोषी भी कह सकते हैं। परपोषी या विषमपोषी विषमपोषी पोषण में लिखेंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब जैसे कौन से जीव, जैसे बकरी है ना, जानवर है, हम लोग नहीं है, हम लोग अपना बना सकते हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं बना पाते। जैसे गेहूं है, बना सकते हैं? नहीं, गेहूं को उगा सकते हैं लेकिन उसे बना नहीं सकते। जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ये क्या है, दूसरों पर डिपेंड है कि घास होगी तो हम खाएंगे और नहीं होगी तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये दूसरों पर क्या है। लेकिन स्वपोषी पोषण, जो घास उगाई उसे दूसरे ने खाया, क्योंकि वह स्वपोषी नहीं, वो परपोषी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हारी जब घास उगेगी तब उसे हम खाएंगे, तब अपना पेट भरेंगे। ऐसे हम लोग भी हैं, जब मार्केट में सामान बिकेगा तो उसे हम खरीदेंगे, तो उसे हम खाएंगे, और मार्केट में सामान नहीं बिकेगा तो क्या हम खा लेंगे? लौकी हम घर में बना सकते हैं, घर में कोई सब्जी को हम बना तो सकते हैं काट के, लेकिन क्या उसका निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। तो हम लोग भी कैसे हैं? परपोषी हैं। तो आपने क्या लिखा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा अपने भोजन के लिए नहीं बना सकते तथा अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। तो ये आपका पोषण में दो प्रकार के पोषण हुए, एक कौन सा परपोषी और दूसरा स्वपोषी। तो अब आपकी अगली हेडिंग है पादपों में पोषण, यानी कि पादपों में किस प्रकार से पोषण हो रहा है। आपको ये हेडिंग डालनी है पादपों में पोषण, तो हेडिंग डालेंगे पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में पोषण, पादपों में पोषण क्या है, पादपों में पोषण किस प्रकार से आता है, तो ये हम आपको बता रहे हैं, लिखना नहीं है, सिंपल लिखा देंगे, आपसे समझा रहे हैं। तो पादपों में पोषण किस प्रकार से मिला, जैसे पादपों को हम लोग पोषण देने जाते हैं, नहीं, इनको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, इनको पोषण प्राप्त होता है जल के द्वारा। जल में कई ऐसे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें भूमि की सतह पर ये गिरते हैं, और ये भूमि की सतह से रिसते हुए मिट्टी में पहुंचते हैं। मिट्टी में जब पहुंचते हैं तो मिट्टी में क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, और जड़ों में ये फंसी हुई होती है जहां पर जल पहुंचता है, फिर ये जल को सोख कर तने, पत्तियों तथा शीर्ष शीर्ष तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार, और ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करके प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और वह भोजन ये शीर्ष से लेकर जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे जड़ें इनकी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, जिन्हें ये स्तंभ के तौर पर ये मजबूत करके रखते हैं, जिससे वह, तो इस प्रकार से इसमें पादपों में पोषण पहुंचता रहता है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, पौधे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों, पौधे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों, कॉमा CO2 व जल द्वारा स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन CO2 अकार्बनिक पदार्थों, कॉमा CO2 व जल द्वारा स्वयं बनाते हैं।
जिसे एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, जिसे एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, यह क्रिया सिर्फ दिन के समय ही संभव होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन के समय क्या होता है, सूर्य निकलता है और सूर्य में ही यह क्रिया संभव होती है। तो यह क्रिया केवल दिन के समय ही होती है। यह क्रिया केवल दिन के समय होती है। पौधे केवल अपना भोजन ही नहीं बनाते, पौधे केवल अपना भोजन ही नहीं बनाते, पौधे केवल अपना भोजन ही नहीं बनाते, ये जीवों व मनुष्यों के लिए भी भोजन बनाते हैं। ये जीवों व मनुष्यों के लिए भी भोजन बनाते हैं। तो ये था आपका पादपों में पोषण, यानी कि किस प्रकार से हुआ। कल हम आपका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो वह पूछ सकता है। आ गया सभी समझ में? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है?